जेएनयू में आईएसआई के छात्र नेता पर रेप का आरोप, पीड़ित का बयान, हॉस्टल में फिल्म की सीडी देने के बहाने बुलाकर किया रेप। पीड़ित छात्रा के मेडिकल में हुई रेप की पुष्टि, वारदात के बाद से फरार है आईएसआई का क्रांतिकारी कार्यकर्ता अनमोल रतन। जम्मू कश्मीर में विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल आज करेगा पीएम मोदी से मुलाकात, कश्मीर में 45 दिन से जारी हिंसा पर होगी बात। पीएमओ में राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पॉलिटिकल मॉडल के फेल होने का सबसे बड़ा सबूत है जम्मू कश्मीर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पीओके और कश्मीर का जो हिस्सा चीन के पास है उसे छुड़ाने की कोशिश शुरू होनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर वाजपेयी सरकार कुछ वक्त और रहती तो कश्मीर समस्या खत्म हो गई होती। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों पर भी अरुण जेटली का निशाना, कहा पत्थर फेंकने वाले सत्याग्रही नहीं। कश्मीर के हालात को लेकर दिल्ली में विपक्ष ने की राहुल गांधी से मुलाकात, उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर राशिद भी बैठक में हुए शामिल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी में बेरोजगार हुए भारतीयों को देश लौटने की सलाह दी, सुषमा ने ट्वीट कर कहा कि लोगों को वापस आने का खर्च उठाएगी सरकार। 50 दूतावास समेत कई बड़े संस्थानों से मिले डेंगू के लार्वा, एनडीएमसी ने थमाया नोटिस, राष्ट्रपति भवन को भी अब तक भवन नोटिस। बिहार बाढ़ से बेहाल, सीएम नीतीश कुमार ने जताई गंगा के जलस्तर के और बढ़ने की आशंका, कई इलाकों में किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के नवादा में तारकोल डैम में डूबने से 4 छात्राओं की मौत, डैम में नहाने गई थी छात्राएं, 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पटना में बाढ़ राहत केंद्र का हाल बेहाल, लोग भूखे रहने को मजबूर, महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। बिहार में गंगा नदी में बाढ़ के लिए नीतीश ने फरक्का डैम को बताया जिम्मेदार, कहा या तो तोड़ा जाए डैम या फिर बनाई जाए कार्ड मैनेजमेंट पॉलिसी। मध्य प्रदेश में अब तक 35% ज्यादा बारिश, मौसम विभाग का अभी भी कई जिलों में बारिश का हाई अलर्ट। एमपी में बाढ़ से जनता बेहाल, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के गोद में बैठकर लोगों का हाल जान रहे हैं मुख्यमंत्री, बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे पर थे शिवराज, उसी के दौरान की तस्वीर। फोटो वायरल होने पर सीएम शिवराज ने ट्वीट की नई तस्वीरें, कीचड़ में चलते हुए फोटो को किया पोस्ट, पन्ना की ही तस्वीर। रीवा में फूटा बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा, सीएम शिवराज के काफिले को लोगों ने रोका, प्रशासन पर लगाया अनदेखी और बदसलूकी का आरोप। भोपाल में कोला डैम में मछली पकड़ने के दौरान बहे 3 युवक, नगर निगम के दस्ते ने रेस्क्यू कर बचाई जान। एमपी में बारिश से हो रहे हादसों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा ऐसे हादसे तो दुनिया में हर जगह होते। यूपी के कई जिलों में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश, मिर्जापुर का सबसे बुरा हाल, कई गांव हुए जलमग्न, लोगों का पलायन। यूपी के बलिया में गंगा और घाघरा नदी उफान पर, करीब 58 गांव के 68,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। यूपी के इलाहाबाद में पानी में डूबे लोगों के घर, एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी। बांसवाड़ा में बारिश ने बरपाया कहर, जयपुर और उदयपुर से कटा संपर्क, 12 में भी बिगड़े हालात, बेड़ेश्वर धाम बना टापू। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए 28 लोग, महू महादेव से 3 और उल्टन से 25 लोग रेस्क्यू। बुंदेलखंड में बारिश से केन और बाकी छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर, यमुना नदी ने भी सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में लिया। आज शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। गन्ना किसानों के बकाए पर एक्शन में यूपी सरकार, 9 मिल मालिकों को नोटिस, किसानों ने बिना पेमेंट गन्ना नहीं देने का किया फैसला। कानपुर में फ्रांस से आए टूरिस्ट के साथ चलती टैक्सी में मारपीट और लूटपाट, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नीतीश कुमार के गढ़ में झारखंड के सीएम रघुवर दास की सभा, नालंदा में तिरंगा यात्रा। आज गुजरात विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र, जीएसटी बिल पर कराया जाएगा इसे पारित, ऊना में हुई दलितों की पिटाई के मुद्दे पर विपक्ष की घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा का विशेष सत्र, जीएसटी बिल पास कराने को लेकर हुई रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक। आज से दिल्ली विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र, उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक सदन में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की कर सकते हैं मांग। दिल्ली में भीका जी, नेहरू प्लेस जैसी जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में दिल्ली सरकार,
इस साल के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का लक्ष्य। सीकर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध, संत रामपाल के समर्थकों ने की सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव आज मंजुला चेल्लूर को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाएंगे शपथ। 10 अगस्त को रिटायर हुए चीफ जस्टिस डीएच वाकेला के लेंगे जगह। नाबालिग बेटे के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का पिता पर 50,000 का जुर्माना, मामला 14 नवंबर 2015 का। पीएमसी ने हज यात्रियों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू की। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले 1600 से ज्यादा लोग हैं शामिल। मुंबई में घर से महिला और उसकी बेटी का शव मिला, पुलिस को शव खुदकुशी से पहले माने किया बच्ची का कत्ल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 8वीं के छात्र की टीचर ने की बेरहमी से पिटाई, कम नंबर आने पर डंडों से मारा छात्र, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। इराक में सुसाइड बेल्ट के साथ पकड़ा गया 12 साल का बच्चा, आईएसआईएस ने बनाकर भेजा था आत्मघाती, सुरक्षा बलों ने बचाई जान, हिरासत में है बच्चा। टर्की में घुसते देखे गए सीरिया के विद्रोही और आतंकी, आईएसआईएस के कब्जे वाले शहर पर हमले की तैयारी, विद्रोहियों को समर्थन देती है सीरिया सरकार। नहीं बचाया जा सका अलेप्पो के ओमरान का भाई, सीरिया में हवाई हमले में हुआ था घायल। और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, टर्की में एक शादी समारोह में जो लोग थे उन्हें अर्पित की गई, राष्ट्रपति अर्दवान ने बताया आईएसआईएस का हाथ। चीन में बस पलटने से 11 लोगों की मौत, 21 जख्मी, गुंजो में हुआ हादसा, कार को बचाने के चक्कर में पलट गई बस। सोमालिया में आतंकी गुट अल शबाब के आत्मघाती धमाकों में 20 की मौत, सरकारी दफ्तर पर 2 कारों में किए गए तबलास। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मॉल में लगी आग, बचाए गए सभी लोग वक्त रहते, खाली करा लिया गया था मॉल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में काबू में नहीं आ रही जंगल की आग, सिर्फ 6% इलाके में बुझाई जा सकी है। अमेरिका के टेक्सास में रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पुल तक पहुंचा पानी, कई जगह लगा जाम। चीन ने बनाया अंडर वाटर अनमैन्ड ऑटो व्हीकल, सरकार से मिली मंजूरी के बाद जल्द शुरू होगा उत्पादन, डिफेंस में भी आएगा काम। सिद्धि विनायक के चढ़ावे में 96 गुने की बढ़ोतरी, 22 लाख में हुई नीलामी, 315 गहनों को नहीं मिले खरीदार, नवंबर में लगेगी बोली। महाराष्ट्र सरकार ने हर स्कूल में योग कराने का आदेश दिया, महीने की 21 तारीख को स्कूली बच्चों से कराया जाएगा योग, अबू आजमी ने बताया सियासी कदम। इंदौर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा भारत में बंद करें दहशतगर्दी, नहीं तो पीओके से भी धोना होगा हाथ। नीलामी में 4,31,00,000 की कीमत में बिके पीएम मोदी के सूट की खबर पर राहुल गांधी ने कसा तंज, ट्विटर पर लिखा मोदी जी को महान त्याग के लिए पुरस्कार मिल गया। गुजरात में दलितों के उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रपति से मिला गुजरात सरकार कांग्रेस का दल, कहा पीएम खुद के राज्य में नहीं दे पा रहे सुरक्षा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना, नैनीताल में निकाली पर्दाफाश रैली। लखनऊ में कांग्रेस ने शुरू की 27 साल यूपी बिहार की यात्रा, गुलाम नबी आजाद ने दिखाई हरी झंडी, कांग्रेस बोली राज्य में कानून व्यवस्था बधा। यूपी के आगरा में मायावती ने चला आरक्षण कार्ड, कांग्रेस की नीयत ने बताया खोट, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ संघ का एजेंडा चलाती है बीजेपी। पाकिस्तान की संसद में हिंदू मैरिज बिल 2016 पेश, सेक्युलर सिंध फोरम में बिल का किया विरोध, बिल को किडनैपिंग और कन्वर्जन का लाइसेंस देने वाला हथियार बताया। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर, 2 को लगी गोली, सभी 5 बदमाश गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी भी घायल, प्रॉपर्टी डीलर को मनाने आए थे निशाना। राजस्थान के कोटा में आवारा जानवरों की वजह से होने वाले हादसों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हादसों में अपनों को खो चुके लोग भी हुए शामिल। जयपुर में ब्रिक्स मेहमानों ने देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, सीएम राजे, लोकसभा स्पीकर भी मौजूद, देसी धुन पर फिर के विदेशी मेहमान। उदयपुर में आज से शुरू होगा ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, बाढ़ नियंत्रण और आपदा रहेगा मुख्य विषय। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाला सतीश कुमार एक दिन के पुलिस की रिमांड पर, मथुरा के वृंदावन से हुई गिरफ्तारी। हरियाणा के कैथल में सेल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान, 36 बिरादरी से हजारों लोग पहुंचे, डॉक्टर चंद्रा ने भी हरियाणा के विकास का दिया भरोसा।
गंगा में तैरकर दी गई 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि। कानपुर में गंगा के अंदर निकाली गई 8 किलोमीटर तिरंगा यात्रा। यूपी के गाजियाबाद के एक गांव में तेंदुए की दहशत। रात रात भर जागकर लोग दे रहे हैं पहरा। पकड़ने के लिए फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। नारियल बेचने वाले युवक को खंभे से बांधा पीटने का आरोप। वीडियो सामने आने के बाद डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बिजनौर में पुलिस का बेरहम चेहरा। एक शख्स को होश में लाने के लिए पुलिस की दर्दनाक पिटाई। युवक को जूते और थप्पड़ मारे। यूपी के बिजनौर में बाइक चोरों का पर्दाफाश। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी की 21 बाइक बरामद। ओएलएक्स पर बेचते थे चोरी की बाइक। हरियाणा के अंबाला में पहुंचे विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह। महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। जनरल सुहाग द्वारा लगाए गए आरोपों पर नहीं दिया सवालों का जवाब। बिहार के अररिया में एक बुजुर्ग जोड़े को पंचायत ने दी शर्मनाक सजा। सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया। उत्तराखंड के पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में एक ही परिवार के 7 लोगों के शव बरामद। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौत के बाद एक शख्स को शमशान भी नसीब नहीं हुआ। बिहार में दानापुर में भारी बारिश से बाढ़ पानी में डूबे गए गांव। घर की छत पर चढ़े लोग। प्रशासन ने खबर। मध्य प्रदेश के मेहर में गिरी इमारत। मामले में खिलाड़ी बबलू मार्टिन की भी मौत। हादसे में लोगों को बचाने की कोशिश में दबे परिवार को सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से गिरा मकान। 6 लोगों की मौत। बाढ़ के पानी में भी दर्जनों लोग फंसे। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाढ़ के हालात। एनडीआरएफ टीम ने शहर से 42 लोगों के अलावा कई जानवरों का रेस्क्यू किया। बांध से पानी छोड़ने के बाद हालात और बिगड़े। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार ने छीनी एक पुलिसकर्मी की जिंदगी। तेज रफ्तार कार ने पुलिस वाले की स्कूटी को मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के इंजन समेत 12 डिब्बे। हादसे के पीछे नक्सलियों की साजिश का शक। पंजाब के जालंधर में 2 बसों की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। कल हुआ था एक्सीडेंट। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का मजाक। विदेशी सैलानियों ने खानापूर्ति के लिए लगाई झाड़ू। टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन ने किया था आयोजन। यूपी के गोरखपुर में एक लड़के ने बाइक पर किए खतरनाक स्टंट्स। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक के साथ किए करतब। पुलिस को नहीं लगी भनक। मुंबई में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। गणेश चतुर्थी के लिए मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं गणपति बप्पा की मूर्तियां। यूपी के गोरखपुर में अजगर ने नील गाय के बच्चे को निगला। गांव वालों ने अजगर को पकड़ के वन विभाग तक पहुंचाया। वन विभाग के सामने अजगर ने बच्चे को उगला। एमपी के छतरपुर में पुलिसकर्मी का सुइसाइड। थाना इंचार्ज के घर में मिला शव। सुइसाइड नोट में बीमारी को बताया वजह। यूपी के संभल में बहन के प्रेमी को पर भाई ने फेंका एसिड। पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज थे भाई। कानपुर में झारखंड से लाई गई नाबालिग लड़की का 2 साल से शारीरिक शोषण। मौका पाकर बदमाशों के चंगुल से भागी लड़की। यूपी के रायबरेली में 4 साल की बच्ची से रेप। रेलवे स्टेशन के परिसर में किया गया दुष्कर्म। बच्ची को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। यूपी के फतेहपुर में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया पति और ससुराल वालों पर हत्या का शक। पुलिस ने शुरू की जांच। कृष्ण अग्नि मथुरा में जोरों पर जन्माष्टमी की तैयारियां। अभी से ही भक्तों की उमड़ी भीड़। बाजारों में भी रौनक। ट्विटर पर 2,20,00,000 हुई अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों की संख्या। फॉलोअर्स के प्यार के लिए बिग बी भी ट्वीट कर उन्होंने कहा शुक्रिया। शाहरुख और अनुष्का शर्मा प्राग में इम्तियाज अली की अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। पहली बार साथ में काम कर रहे हैं इम्तियाज और शाहरुख। ऋषि कपूर ने पाकिस्तानी फिल्म में काम करने से किया इनकार। कॉमेडी फिल्म जवानी फिर नहीं आई के सीक्वल में काम करने के लिए ऋषि कपूर को किया गया था अप्रोच। बॉलीवुड में फीस के मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने 2 बड़े बड़े मेल स्टार्स को टक्कर उन्हें दी है। खबरों के मुताबिक रियलिटी शो झलक दिखला जाके हर एपिसोड के लिए जैकलिन को मिल रही है 1 करोड़ की फीस।